अब तक आपने फिल्मों या सिर्फ धारावाहिकों में ही देखा और सुना होगा, लेकिन ताज़ा मामला सामने आया है जहां एक युवती से पहले लव किया, फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज किया और फिर 4 सालों तक महिला के साथ संबंध बनाता रहा। अचानक फिर उसे छोड़ महिला को फरार हो गया। पीड़ित महिला रोते बिलखते दगबाज पति के घर पहुंची, लेकिन कोई उसकी बात सुनने की तैयार नहीं था। ऐसे में न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित महिला मोहनिया थाने पहुंची। इस संबंध में थाना अध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि उक्त मामले में आवेदन पीड़ित महिला के द्वारा मिला है। मौके पर पहुंच आरोपित को पकड़कर थाने लाया गया है और दोनों पक्षों को थाना बुलाया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इधर थाने पहुंची पीड़ित महिला क्या कहती है, आप भी सुनिए। मैं थाना पे इसलिए आई हूँ क्योंकि एक मुन्ना पासवान लड़का है जो मुझसे लव मैरिज शादी किया था, 2-3 सालों से 4 सालों से मेरे साथ रिलेशन में भी था, 2 साल पूर्व शादी किया था, और ऐसे वो मुझे चीट कर रहा है और आज बिना बताए 10-15 दिन से अपना फ़ोन बंद कर दिया है और आज उसकी शादी है, वो किसी और लड़की से शादी किया है। अच्छा। करने जा रहा है मतलब आज, और वो मुझसे शादी ऑलरेडी कर चुका है और उसके पिताजी बोल रहे हैं कि मेरा बेटा 2-2 बीवी रखेगा, तुमको भी रखेगा उसको भी रखेगा। तो मैं चाह रही हूँ कि वो मेरे सामने आके एक्सेप्ट करे और बोले कि हाँ वो क्यों दूसरी शादी करना चाह रहा है, जब अगर उसको दूसरी शादी करनी थी तो मुझसे पहली शादी क्यों किया, क्यों मेरे साथ धोखा किया, उसको मुझसे हकीकत बतानी चाहिए थी ना। प्यार का नाटक किया, प्यार का झांसा देके मेरा दिन रात शोषण करता रहा और मेरे गाँव घर में मेरी बदनामी कराया, उसकी माँ बहन आके मेरे गाँव घर में बदनामी की, यहाँ तक कि मारती पीटती भी थी सब, और इसके बाद भी आज वो मुझे धोखा दे रहा है। उसके थाना पे आए शादी रुकवाने के लिए उसका। हम थाना पे आएंगे ताकि मेरी मदद हो और शादी रुक जाए। गाजीपुर में आके वो शादी किया था, ऐसा नहीं है कि मैं आई वहाँ पे रहता था। गाजीपुर में, गाजीपुर में उसकी मौसी का रिलेशन है, वो अच्छा। आता जाता था, और मुहंदाबाद में उसकी 2 बहनें हैं, एक का नाम रीना पासवान है और मीना पासवान, ये सब भी रहती थी यहाँ तक कि इसकी बहन पिंकी पासवान और ये रिंकी पासवान सब मेरे घर पे आई थी, इसकी माँ भी आई थी और सब गाली गलौज मारपीट करके मेरे घर से गई थी, यहाँ तक कि इसके पापा भी, इसके सारे फैमिली वाले कोतवाली में भी आके अप्लीकेशन दिए थे, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाए थे कि ऐसी है वैसी है, इसको हम लोग नहीं रखेंगे, या सब बहुत सब ड्रामा की थी। इसका बेटा लेके मुझे नोएडा में, दिल्ली में, बनारस में, हर जगह लेके रहा भी है, और आज जब रखने की बात आ रही है तो ड्रामा कर रहा है और बिना बताए बिना छुपाए फ़ोन बंद करके शादी तय कर लिया है। और इसकी शादी यहाँ आरा से पहले डरमाव कोई पड़ता है वहाँ पे लड़की से शादी कर रहे हैं।